बसमिल नादीन मैं इर शाद हुसैन हूँ आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें नारेन मैं समझता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँचती है और रोज़ाना की बुनियाद पर दो चार दो चार दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं समझता हूँ आप मेरी बात को समझते हैं और आप मेरा साथ देते हैं मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उसको लाइक करते हैं और पसंद करते हैं ये मेरे लिए बड़े आनर की बात है बड़ी इज्जत की बात है मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप मेरी ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बदरिया टेलीफोन मेरी भी रहनुमाई करें किसी जगह पर कोई कमी रह जाती है या कोई बात आप ख़ुद बताना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आप देखते हैं आप समझते हैं कि उसको सोशल मीडिया पे लाना चाहिए वो भी आप मुझे बताएं मैं कोशिश करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने इस चैनल को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगा लिया में दर्जा चहारम की दो सौ पचासी सीटें जो है वो अनाउंस की गई थी और पंद्रह मार्च तक पंद्रह फरवरी तक उन पर दरख्वास्तें जमा होती रहीं और दरख्वास्तों के दरमियान वाले एक महीने के अंदर लोगों ने बड़ी तादाद में दरखास्तें जमा कराईं और ये तादाद कम व बेश पंद्रह से बीस हज़ार से ज़्यादा लोगों की दरख्वास्तें हैं दो सौ पचासी सीटों पर पंद्रह सोलह हज़ार दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं और पूरे पंजाब में इन सीटों को पोस्ट पोन कर दिया गया है ये मैं दावा तो नहीं करता लेकिन ये लोगों की ज़ुबानी है बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये सीटें हासिल करने के लिए अपनी जेबों से पैसे भी जमा करवाए क्योंकि वो लोग जब तक पैसे जमा नहीं करवा देते उनको इस बात का यकीन ही नहीं होता कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि मुल्क सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि अब मेरिट की बात करना या अकरबा परवरी और अज़ीज़ अकारब को नवाज़ने की बात करना ये एक खाब बन चुका है कोई मेरिट नहीं है और कोई ये नहीं देखता कि किसका घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है और केस का गुजारा हो जाएगा वोट बैंक को देखा जाता है और नोट बैंक को देखा जाता है इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक पॉलिसी बनाई जाती है वोट और नोट दोनों लिए जाते हैं और फिर नौकरियां दी जाती हैं कल मुझे एक दोस्त का बैरून ज़िला से फ़ोन आया कहता है कि मैं आपका वीडियो लॉग देखता हूँ और मैंने भी पैसे जमा करवाए हुए हैं आप मुझे मशवरा दें कि मैं पैसे वापस ले लूँ ये पैसे खड़े रहें ये नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी तो ये उनकी अपनी स्वाब दीद है लाम उन्होंने किसी की गारंटी पर किसी को पैसे दिए होंगे और गारंटी ना भी हो तो इसमें रिस्क लेना पड़ता है किसी पर ट्रस्ट करना पड़ता है और अगर किसी को पैसे ले दे कर नौकरी मिल जाती है तो फिर भी अच्छी बात है और अगर पैसे भी दे दिए जाएँ और नौकरी भी ना मिले तो फिर सरासर धोखा है रियासत मदीना का तकाजा तो ये है कि जो नौकरी के मेरिट पे पूरा उतरता है उसको नौकरी दी जाए जिसके घर का चूल्हा ठंडा पड़ रहा है जो मुस्तक है उसको ला महला नौकरी मिलनी चाहिए और गैप्टियर्स ने भी हर दौर में यही तकाजा किया है कि हर वो गरीब शख्स जिसका हक़ है जिसके घर का गुजारा नहीं होता जो बेरोज़गार हैं गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं सबसे पहले उनको हक दिया जाए उसके बाद ऐसे लोगों को जिनका वो गाड़ी एक पहिए पे चल रही है उनको दूसरा पहिया मुहैया किया जाए लेकिन यहाँ पर बड़े अनोखे मेरट होते हैं बड़े अनोखे तरह का कार होते हैं और ये दो सौ पचासी सीटें अरबाब अख्तियार के कोटे में भेजी जाएंगी उनको दी जाएंगी और फिर वो अपनी एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उसके मुताबिक जो है वो उनकी तकसीम करेंगे बहुत अच्छे सियासदान भी हैं बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी गरीब से नौकरी के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया ये बात बिल्कुल ठीक है परफेक्ट है और मेरे ख़्याल में कोई भी बड़ा सियासतदान ऐसी छोटी हरकतों में मुलिस नहीं होता लेकिन उनके करीब जो लोग होते हैं उनके जो कारिंदे होते हैं वो उनके नाम पर कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता मैंने भी एक दोस्त से कहा था किसी बच्चे की नौकरी के लिए तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि जो पैसे डिमांड किए जा रहे हैं या जिन पैसों पर यह सीटों की बात की जा रही है वो पैसे ले दे, देना या पूरे करना आप और मेरे बस की बात नहीं है मतलब अगर एक चपरासी की नौकरी के लिए सात आठ लाख रुपए देने पड़ते हैं तो वो नौकरी लेने का क्या फ़ायदा हो सकता है ये उन लोगों की बातें हैं जो करिंदों के तौर पे काम करते हैं मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे सियासतदान बहुत अच्छे सियासतदान हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि अगर उनके कोटे में 40-50 सीटें आ गई हैं तो वह अपने हलके के उन चालीस 50 घरानों को वो सीटें दे दें दे जहाँ पर चूल्हा नहीं जल रहा और ग़ुरबत उनके घरों में धमाल कर रही है दूसरी जानब एक माफ़िया होता है जो सियासतदानों को मजबूर करता है कि जनाबे वाला अरसा दराज से हम आपके साथ फिर रहे हैं और हमें किसी कहीं से कोई किसी किसम मफाद नहीं मिला और अगर आप कोई थोड़ा सा हमारा हिस्सा बन रहा है तो बर करम आप खामोश रहिए तो ये सूरत हाल है बहरह अब जो नश्स्तें हैं जो सीटें हैं वो रोक चुकी हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है एजुकेशन हुकाम का कहना ये है कि ये दोबारा सीटें जैसे ही अनाउंस होंगी इन्हीं दरखास्तों पर जो दरखास्तें दी जा चुकी हैं इन्हीं को ही दोबारा जो है इंटरटेन किया जाएगा और इन्हीं पर ही इंटरव्यूज़ रखे जाएँगे और इंटरव्यू के बाद जिस जिसके हिस्से में जो जो नशस्त आएगी उसको आर्डर दे दिया जाएंगे। ये सीटें रोकी क्यों गई हैं वजह क्या थी कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि बलदियाती इलेक्शन होने जा रहा है और अपोजिजीशन जो है वो ये कहती है कि ये सिर्फ इस इलेक्शन पर अंदाज़ होने का एक तरीका है ताकि पंजाब में केपी की तरह इलेक्शन हारा ना जाए हुकूमत चाहती है कि हर हाल में बलदयाती इलेक्शन को जीता जाए कुछ हल्कों का ये कहना है कि चूँकि बलदयाती इलेक्शन तख़ीर का शिकार होते दिखाई देते हैं ये इलेक्शन जैसे ही करीब आएंगे, ये सीटें फिर अनाउंस कर दी जाएंगी और इंटरव्यू करने की इजाज़त दे दी जाएगी लोगों को ये सीटें मिल जाएंगी और वोट बैंक जो है वो बढ़ जाएगा लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर खड़ा हो और ये नौकरियाँ दे देना सिर्फ 35-40 बंदों को अपने करीब लाने की बजाय बंदा अपने हलके के बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर लेता है इसी वजह से सियासतदान चाहते होंगे कि अभी इनको पोस्टपोन किया जाए और इलेक्शन के फ़ौर बाद ये नौकरियाँ अनाउंस कर दी जाएँ और हम लोगों को आर्डर दे दें बहरहाल ये भर्ती तो होनी ही होनी है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है पाकिस्तान के ख़जाने में लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं अगर पैसे होते तो शायद ये भर्तियाँ कर ली जाती मे भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मद्द रखते हुए कुछ अरसे के लिए इन नौकरी को पोस्टपोन किया गया हो वो लोग जैसा कल एक दोस्त ने कहा था अगर आपने किसी के साथ कोई लेन देन किया हुआ है पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है वो बिल्कुल ठीक नहीं है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको देखना चाहिए था और अगर आपने किसी के साथ किया है तो फिर उनके साथ एतमाद में रहिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपनी और दूसरों की इज़्ज़त को बिल्कुल तार तार ना कीजिए अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इंतज़ार कीजिए कि ये पोस्टें फिर दोबारा कब आती हैं इंटरव्यू कब होते हैं और ये किसके नसीब में होती हैं जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाएगा बहरहाल फ़िलहाल इंटरव्यू मुलतवी कर दिए गए हैं इनको ख़त्म नहीं किया गया कैंसिल नहीं किया गया बल्कि इनको सिर्फ़ पोस्टपोन किया गया है और आने वाले वक्त में दोबारा इन्हीं दरखास्तों पर इंटरव्यू करके ये नौकरियाँ उनको दे दी जाएँगे अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह ने पा